हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज मेरी रेसिपी है चिकन मारा वाइट राइस आंध्र राशन में। मेरी रेसिपी आपके लिए। चले दोस्तों, स्टार्ट करें। स्टार्ट। मुर्गी का सालना वाइट राइस बनाने के लिए ये पूरा मैं रेडी कर लिया है। सबसे पहला एक मुर्गी छोटा छोटा पीस, इसका स्क्रीन निकाल लिया है। दो डाली प्याज बारीक काट लिया है। बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जितना चाहिए उतना मिर्ची, दो आलू बारीक काट लिया है, थोड़ा सा तेल, कोकोनट मीट, फ्रेश धनिया, तीन टमाटे, धनिया पाउडर टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून, जितना चाहता नमक, चकले का पाउडर हाफ टी स्पून से भी, और थोड़ा चावल बनाने के लिए चावल धो लिया है, गर्म पानी गर्म कर लिया है, दोगुना चूल्हा चालू कर रहा हूँ। चालू करके तेल डाल रहा हूँ। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल के लाल करूँगा उसको मैं। देखिए फ्रेंड, प्याज डाल रहा हूँ, प्याज लाल होने तक वेट करूँगा। डालना पड़ रहा है अभी टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, होने के बाद मुर्गी डालू मैंने। देखिए फ्रेंड, मुर्गी डाल रहा हूँ। ये मुर्गी थोड़ा कड़क पड़ने के बाद में मसाला डालूंगा मैं। मुर्गी थोड़ा कड़क पड़ेगा तो उसमें के बाद मुर्गी का पूरा जाएगा। अगर मसाला आप डाल लेंगे तो मुर्गी के पास ऐसे रहेगा। मैं अच्छा से मिक्स किया है मुर्गी को, कड़क पड़ने का मुर्गी कड़क पड़ेगी तो बास नहीं आएगा। अभी हल्दी पाउडर, चकले का पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, ये डाल के अच्छा मिक्स करने का। मिक्स करेगा तो अच्छे से पास आएगा। फ्रेंड, ऐसा मिक्स करने का सालन पूरा टुकड़े को मसाला लगने का। अभी धनिया पाउडर, जितना चाहिए उतना मिर्ची, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल के को अच्छे से मिक्स करने का। फ्रेंड, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तीन टमाटे बारीक कटा हुआ है, और जर के मैं बंद करूंगा। टमाटे नरम पड़ने के बाद कोकोनट मिल्क डालूंगा। मिक्स होने के बाद ये कोकोनट मिल्क है, गरम पानी, थोड़ी देर बाद मुर्गी पकने के बाद थोड़ा आलू डालूंगा मैं। देखिए फ्रेंड, सालन कैसा है, मैं थोड़ा आलू डालता हूँ।
आपको चाहिए तो आलू डाल सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, हमारे घर में आलू पसंद रहते हैं, उसके आलू डाल देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, अब आलू डाला ना, थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ेगा तो भी मुश्किल नहीं, सालन टेस्टी आएगा। रख दूंगा 15 मिनट में पक जाएगा, ये 15 मिनट के बाद देखेंगे दोस्तों, सालन हो गया है, आलू भी अच्छे से पक गया है, आलू डालेगा तो सालन टेस्टी आएगा। आलू अपने नहीं छोटे मुश्किल होंगे, लास्ट थोड़ा सा फ्रेश धनिया, सालन देखो जाड़ा है, टुकड़ा भी छोटा छोटा काट लेना है मुर्गी का, अच्छे से पका है सालन, बंद कराने सालन बंद कर दिया, सालन हो गया। अभी चावल बनाने के लिए चावल अच्छे से धो लिया है, अच्छे से चावल बिकनेगा, भीग गया तो चावल अच्छा आएगा। पानी रख लिया है, पानी गर्म कर रहा हूँ, नमक जितना चाहिए उतना, थोड़ा सा तेल, तेल डालेगा तो चावल अच्छा आएगा। पानी गर्म होने के बाद चावल बनाऊँगा, ओके फ्रेंड, फ्रेंड पानी गर्म हो गया है, चावल डाल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा मैं। फ्रेंड फ्रेंड मैं भी चावल थोड़ा पकने का, पकने के बाद इडली डालूंगा उसको मैं, एकदम बारीक दम हो जाता, रख दूंगा मैं। सालन हो गया था ना, अभी सालन थोड़ा ठंडा पड़ा है, देखिए सालन कितना जाड़ा है, थोड़ा पतला था ना, जाड़ा है, हो गया है, अभी चावल दम होने का, चावल दम होने का हो गया खाना, चावल दाना दाना है, चावल पक गया है, चावल हो गया, सालन हो गया, चावल हो गया। देख लिया ना फ्रेंड कैसी लगी मेरी रेसिपी, प्लीज आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगली बार और अच्छे रेसिपी से आपके पास आऊंगा। ओके दोस्तों, बाय।